Ему повезло. Входите. Ждем еще немного. वेलकम बैक रॉकर्ट्स, द स्नाइपर मूवी में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में साउथ ईस्ट एशिया के एक जंगल को दिखाते हैं, जहां कुछ सोल्जर्स अपने टारगेट का इंतजार कर रहे हैं। अपने स्नाइपर राइफल से उन्होंने एक बिल्डिंग को ट्रैक किया है, जिसमें सेल्वेशन सोसाइटी नाम की एक इलीगल कंपनी चल रही है। वे बच्चों की सुरक्षा करने का दावा करती है, लेकिन असल में ऑर्गेनाइज स्मगलिंग का काम करते हैं। ये चाइनीज सोल्जर्स सेल्वेशन सोसाइटी के लीडर सोंगपा को खत्म करने के लिए आए हैं, और इनका चीफ है जिनमिंग। लेकिन जिनमिंग सोंगपा को खत्म करने के साथ साथ बच्चों को भी बचाना चाहता है, लेकिन उसका टीममेट उसे याद दिलाता है कि हमारा मिशन सिर्फ सोंगपा को खत्म करना है, बच्चों को बचाना हमारा काम नहीं है। इसी बीच बिल्डिंग का एक लड़का एक गैस बोतल उठाता है और उसके जरिए जिनमिंग को देख लेता है। जिनमिंग बड़ा हैरान है कि लगभग एक मील की दूरी से ये लड़का उसको कैसे देख पाया। हालांकि जिनमिंग एकदम सेफ पोजीशन पर है, जहां पर उसको कोई नहीं देख सकता। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि सोंगपा अपने हेडक्वार्टर जा रहा है, लेकिन जिनमिंग अपना फोकस उस लड़के पर बनाए रखता है जिसे ऑपरेटिंग रूम में लेके जा रहे होते हैं। इस मासूम बच्चे पर एक जानलेवा ऑपरेशन होने वाला है और वे उसका हार्ट निकालने वाले हैं। और उस लड़के को बचाने के लिए जिनमिंग झट से अपनी पोजीशन को चेंज करता है। इस पर उसके टीममेट को बड़ा गुस्सा आता है और वो डरता है कि ये मिशन फेल ना हो जाए। ठीक उसी वक्त सोंगपा भी ठीक उसके फायरिंग लाइन में होता है। अब जिनमिंग को फैसला करना होता है कि वो सोंगपा को शूट करना चाहता है या लड़के को बचाना चाहता है। लेकिन वो लड़के को बचाने का फैसला करता है और उस आदमी को शूट कर देता है जो लड़के पर ऑपरेशन करने वाला था। गनशॉट सुनते ही सोंगपा तुरंत कार में बैठ जाता है, लेकिन जिनमिंग किसी तरह उसके कंधे पर शूट कर देता है। अब सोंगपा के आदमी हर तरफ अंधाधुंध शूट करने लगते हैं और कई मासूम बच्चे भी मारे जाते हैं। सोल्जर्स अपने दुश्मन को तो हरा देते हैं, लेकिन उनका टारगेट सोंगपा बच निकलता है, इसीलिए उनका मिशन अब फेल हो गया है। जिनमिंग उस लड़के को बचा लेता है और उसे अपने साथ लेके जाने का फैसला करता है, लेकिन दूसरे सोल्जर्स उस पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से ही सोंगपा बच गया और अब वो न जाने कितने मासूम लोगों की जान लेगा। 10 साल बाद जिनटाई नाम के एक जवान को दिखाते हैं जो स्नाइपर ट्रेनिंग ले रहा है। ये वही लड़का है जिसे मिंग ने सेल्वेशन सोसाइटी से बचाया था। अब जिनटाई अपने बैच के सबसे अच्छे स्नाइपर्स में से एक है। इनका ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि स्नाइपर जिनमिंग है। जिनटाई पूरी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने बेहतरीन स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करता है, लेकिन वो हमेशा ज़ोमी से हार जाता है जो इस बैच की बेस्ट स्नाइपर है। दरअसल जिनमिंग ने जिनटाई के साथ साथ ज़ोमी को भी उसी कंपनी से बचाया था और दोनों को जिनमिंग ने ही बड़ा किया है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जिनटाई को सोंगपा को खत्म करने का मिशन सौंपा गया है। ये जानकर ज़ोमी जिनमिंग से पूछती है कि आपने ये मिशन मेरी जगह जिनटाई को क्यों दे दिया, लेकिन जिनमिंग खामोश रहता है। अब जिनटाई अपने स्नाइपर पोजीशन पर दुश्मन के मूवमेंट्स बड़े ध्यान से देख रहा है। मॉनिटरिंग रूम में कैप्टन वोंग जिनमिंग को इन्फॉर्म करता है कि वे अपने मिशन में 7 बार फेल हो गए हैं। उसे शक होता है कि उनकी टीम में सेल्वेशन सोसाइटी का कोई जासूस है। इसी बीच दुश्मन जिनटाई और उसकी टीम को देख लेते हैं और उन पर अटैक करते हैं। जिनमिंग जिनटाई को ऑर्डर देता है कि मिशन अबॉर्ट करके लौटाओ। अब उसे यकीन हो जाता है कि वोंग ठीक ही कह रहा था। इतने में सोंगपा के आदमी उनके सारे कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग चैनल्स को जाम कर देते हैं, और फिर यहाँ ये सारे सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाते। लेकिन जिनमिंग के कम्युनिकेशन लाइन में थोड़ा सिग्नल आ रहा होता है और जिनटाई बताता है कि मैं सोंगपा को खत्म किए बगैर वापस नहीं लौटूंगा। अब और कोई रास्ता ना पाकर जिनमिंग ज़ोमी की लीडरशिप में दूसरी टीम को भेजता है, लेकिन वोंग कहता है कि जब तक उस जासूस का पता नहीं चल पाता, हमें दूसरी टीम को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को हमारे हर मूवमेंट्स की खबर मिल रही है। इस तरह यह मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस पर जिनमिंग और वोंग के बीच बहुत बहस होती है। कुछ देर बाद उनका कनेक्शन ठीक हो जाता है और तब जिनटाई इन्फॉर्म करता है कि हमने ये जगह क्लियर कर दी है, लेकिन सोंगपा यहाँ पर भी नहीं है। फिर वो फुटेज को रिप्लाई करता है। फिर कैप्टन वोंग उसको एविडेंस तलाशने को कहते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद जिनटाई को एक लैपटॉप मिलता है जिसमें वेपन्स, ड्रग्स और ह्यूमन ऑर्गन्स की इलीगल सेल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वहां उसे जिनमिंग की एक फोटो भी मिलती है। अब सभी को शक होता है कि कहीं वो जासूस खुद जिनमिंग तो नहीं है। जिनमिंग अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, लेकिन वोंग ज़ोमी को ऑर्डर देता है कि जिनमिंग की गन ले लो। जिनमिंग बहुत दुखी होता है कि 30 साल की सर्विस के बाद भी उस पर शक किया जा रहा है। जब ज़ोमी जिनमिंग की गन ले लेती है तो असली जासूस जिनमिंग पर शूट करता है, लेकिन खुशकिस्मती से ज़ोमी जिनमिंग को बचा लेती है। अब वहां पर हलचल मच जाती है। तब पता चलता है कि जासूस एक नहीं बल्कि आर्मी बेस के कई सोल्जर्स सोंगपा के लिए काम कर रहे हैं। अब आवाज को सुनकर जिनटाई तुरंत अपने साथियों को बचाने के लिए आ जाता है। आर्मी बेस में ज़ोमी और जिनमिंग मिलकर दुश्मनों से लड़ते हैं। जब जिनटाई वहां पहुंचता है तो उसे अपने साथियों की लाशें मिलती है। वोंग भी मरने की हालत में होता है और वो जिनटाई को बताता है कि असली गद्दार जिनमिंग और ज़ोमी है। अब ये सुनकर जिनटाई एकदम शॉक हो जाता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर सके, जिनमिंग उसके सर पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जिनटाई को उस पर विश्वास ही नहीं होता और उन दोनों की लड़ाई होती है। कुछ देर बाद ज़ोमी भी फाइट में शामिल हो जाती है।
जिंटा इस जॉम्बी को शूट करता है लेकिन जिनमिंग बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। अब सोंगपा आर्मी बेस में आकर एक बाजूका से पूरी बिल्डिंग गिरा देता है। 8 साल बाद जिंटा इस सड़कों पर आ चुका है क्योंकि वो सोंगपा को खत्म करने के मिशन को अभी तक पूरा नहीं कर पाया। वो शराब पीकर सड़क पर चल रहा होता है तब फेंग नाम का एक छोटा लड़का भाग कर आता है। कुछ आदमी उसको चेस कर रहे होते हैं क्योंकि उसने पैसे चुराए थे। फेंग जिंटाए को पापा कहकर पुकारता है। ये सुनकर वे जिंटाए को मारते हैं और उसके पैसे छीन लेते हैं। फिर जिंटाए फेंग को उसकी माँ के पास लेके जाता है जिसका नाम मिया है। मिया एक बार में एक एस्कॉर्ट का काम करती है। जिंटाए उससे अपने पैसे मांगता है लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं होते। अब जिंटाए फेंग को अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि जब तक मेरे पैसे वसूल नहीं हो जाते तुम्हारा बेटा मेरे लिए काम करेगा। वो फेंग को अपने घर लेके आता है जो घर कम और कबाड़ खाना ज्यादा लगता है। वो फेंग से कहता है कि आइंदा कभी चोरी मत करना। अगले दिन से जिंटाए और फेंग पुरानी चीजें कलेक्ट करते हैं और उन्हें रिपेयर करके बेच देते हैं। वो फेंग को पढ़ना लिखना भी सिखाता है। कुछ दिन बाद मिया जिंटाए के घर में आती है और अपने बेटे को पढ़ते हुए देखकर बहुत ही खुश होती है। मिया के चेहरे पर एक घाव को देखकर फेंग समझ जाता है कि उसकी माँ को कस्टमर्स ने पीटा है। फिर वो जिंटाए से कुछ पैसे छीनकर अपनी माँ को देता है और कहता है कि तुम कुछ दिन काम मत करो। रात को जिंटाए और मिया मिलकर डिनर करते हैं। मिया बताती है कि फेंग की देखभाल करने के लिए उसे जबरदस्ती ये काम करना पड़ रहा है। इसी बीच फेंग जिंटाए का एक सीक्रेट बॉक्स खोल देता है। उसमें एक खतरनाक स्नाइपर राइफल होती है। तभी ऐन वक्त पर जिंटाए आकर बॉक्स को बंद कर देता है। फेंग पूछता है कि ये क्या, तुम किलर हो या पुलिसमैन? लेकिन जिंटाए कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में एक बूढ़ा आदमी अपने शानदार कमरे में खाना खा रहा होता है। ये कोई और नहीं, जिनमिंग है। तब जॉमी आकर उसे बताती है कि हमें ऐसे बच्चे का पता चल गया है जिसका ब्लड टाइप आपके ब्लड टाइप से मैच करता है। अब 8 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जिनमिंग को गोली लगने के बाद जॉमी उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी। जिनमिंग की जान तो बच गई थी लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि उसे जिंदा रहने के लिए 3 या 4 साल में एक बार हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। ऊपर से जिनमिंग का ब्लड टाइप बहुत रेयर है इसीलिए उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ही कम है। तब सोंगपा ऑपरेटिंग रूम में आया और उसने कहा कि जिनमिंग हमेशा से मेरा पालतू कुत्ता रहा है। ये सुनकर जॉमी जिनमिंग को शूट करने जाती है लेकिन उसे याद आता है कि जिनमिंग ने उसकी जान बचाई थी इसीलिए वो खुद को रोक लेती है। तब जिनमिंग को भी होश आ जाता है और वो जॉमी से कहता है कि तुम अपना फैसला खुद ही करो। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो सोंगपा को शूट करने का सोचती है लेकिन सोंगपा के आदमी उसके पैर में शूट कर देते हैं। जब उसकी सारी उम्मीदें खो चुकी थी तब लॉन्ग नाम का एक आदमी वहां पर आया और सोंगपा के सभी आदमियों को उसने भून डाला। इसके बाद जिनमिंग ने सोंगपा के सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था और तब से जॉमी और लॉन्ग उसके असिस्टेंट बन गए। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो फेंग खाना, ड्रिंक्स और पैसे लेकर आता है। जिंटाए को लगता है कि उसने फिर चोरी की होगी और वो फेंग को लात मारकर घर से निकाल देता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि फेंग के हाथ में खून था। तब पता चलता है कि उसने अपना खून डोनेट करके पैसे कमाए थे। वो तुरंत फेंग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन इतने में लॉन्ग और उसका आदमी उसको किडनैप कर लेते हैं। जिंटाए उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। वो ब्लड सेंटर जाकर फेंग की डिटेल्स मांगता है। जब डॉक्टर नहीं देता तो वो उसको पीटकर सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। अब उसे पता चलता है कि फेंग का खून वर्ल्ड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन को भेजा गया था। अगले सीन में जिंटाए एक स्टाफ मेंबर के भेष में उस ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाता है। अंदर उसे कई लाशें भी मिलती है लेकिन फेंग की लाश नहीं होती। उसे तसल्ली होती है कि फेंग जिंदा है और तभी एक डॉक्टर आकर उसकी गर्दन पर कुछ इंजेक्ट करता है। जिंटाए मुड़कर देखता है तो पहचान जाता है कि ये वही डॉक्टर है जिसने बचपन में उसका हार्ट निकालने की कोशिश की थी। वो डॉक्टर को पीटने लगता है और फेंग की लोकेशन पूछता है। अब इससे पहले कि वो कुछ बताए तो जॉमी उसे शूट कर देती है। वो पास वाली बिल्डिंग से जिंटाए पर भी एम कर रही होती है लेकिन जिंटाए बचकर कमरे से बाहर चला जाता है। इतने में लॉन्ग के आदमी उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो सबको खत्म कर देता है। फिर लॉन्ग से उसकी घमासान लड़ाई होती है लेकिन उस इंजेक्शन की वजह से वो बहुत ही कमजोर होता जाता है और टॉप फ्लोर से नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो बचकर घर लौट आता है। मिया उसके घाव पर अब दवा लगाती है। जिंटाए प्रॉमिस करता है कि मैं किसी भी तरह फेंग को बचा लूंगा। कुछ देर बाद वो अपना सोल्जर आउटफिट पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में जिंटाए लगभग 1 मील की दूरी से लॉन्ग के हाथ पर शूट करता है। फिर उसको चेस करके एक जगह लॉक कर देता है। अब लॉन्ग घबराकर उसको एक जगह लेने जाता है जहां कई बच्चों को रखा गया है। अब वहां के कंप्यूटर ऑपरेटर के सामने वो लॉन्ग को खत्म कर देता है और उसे वर्ल्ड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को हैक करने को कहता है। जब जॉमी को हैकिंग का पता चलता है तो वो तुरंत जिंटाए को कॉल करती है और उसे पैसों का लालच देती है लेकिन जिंटाए नहीं मानता। अब जिंटाए उसको एक डील ऑफर करता है कि तुम फेंग को मेरे हवाले कर दोगी तो मैं तुम्हारे इलीगल कामों का डाटा तुमको लौटा दूंगा। फिर जॉमी उसकी डील को मंजूरी कर लेती है और आधी रात को ईस्ट सिटी बिल्डिंग में मिलने को कहती है। जब जॉमी वहां पहुंचती है तो फेंग को लेने एक औरत आई होती है। गुस्से में जॉमी दोनों पर कुछ वार्निंग राउंड फायर करती है और जिंटाए से कहती है कि तुम चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। लेकिन जब वो नहीं आता तो जॉमी मिया को मार डालने का ऑर्डर देती है और कहती है कि फेंग को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें फेंग का हार्ट चाहिए।
अब मिया और फैंग को दुश्मन घेर लेते हैं, लेकिन जिंटाई दूर से उन सबको खत्म कर देता है। ज़ोमी और जिंटाई के बीच स्नाइपर्स बैटल शुरू हो जाती है और इसी बीच मिया और फैंग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ोमी मिया को पकड़कर एक चेयर से बांध देती है और उसे अपने आगे कवर की तरह यूज करती है। वक्त निकला जा रहा है, इसलिए जिंटाई तुरंत एक पोजीशन सेलेक्ट करता है जहां से उसको क्लियर शॉट मिल जाता है। अब दोनों एक दूसरे पर एम करके फायर करते हैं। ज़ोमी जिंटाई की छाती पर शूट करती है और जिंटाई चेयर के पैर पर शूट करता है। इस वजह से ज़ोमी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। जिंटाई ने अपनी छाती पर एक बुलेट प्रूफ आयरन पीस रखा था जिसकी वजह से वो बच जाता है। वो मिया से कहता है तुम जल्दी वहां से भागो, लेकिन न जाने कहां से जिनमिंग आ जाता है और मिया को मार डालता है। और जैसे ही जिंटाई वहां पहुंचता है तो जिनमिंग फैंग को लेकर वहां से निकल पड़ता है। अगले सीन में जैसे ही जिनमिंग अपने घर पहुंचता है तो वो सीधे हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारी करने लगता है। तभी जिंटाई बिल्डिंग के बुलेट प्रूफ ग्लास को शूट करता है। जिनमिंग अब घबराकर अपने तीन स्नाइपर्स को भेजता है और अपने दूसरे आदमियों को बिल्डिंग की रखवाली करने को कहता है। गन शॉट्स के जरिए वो जिंटाई की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंटाई रिमोट कंट्रोल शॉट से उन्हें कंफ्यूज करने लगता है। अब बेस्ट स्नाइपर होने के नाते वो जिनमिंग के तीनों स्नाइपर्स को एक एक करके खत्म कर देता है। फिर बिल्डिंग में आकर वो जिनमिंग के आदमियों को भी मार डालता है। अब जिनमिंग उसके सामने होता है, लेकिन उसे मारने के बजाय वो अपना आर्मर निकालकर फैंग को लेने जाता है। मौके का फायदा उठाकर जिनमिंग पीछे से शूट करता है, पर जिंटाई उस पर अटैक नहीं करता। जिनमिंग पूछता है कि तुम उस लड़के को क्यों बचाना चाहते हो। जवाब में जिंटाई पूछता है कि उस दिन आपने मुझे क्यों बचाया था। इस पर जिनमिंग कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वह अपने बेटे को नहीं मार सकता। जिंटाई फैंग को उठाकर वहां से चला जाता है और तब जिनमिंग अपने हार्ट डिजीज का शिकार हो जाता है। अंत में दिखाते हैं कि जिंटाई फैंग को स्कूल छोड़ने जाता है और फैंग उसको पापा कहकर पुकार लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।